आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। लोकसभा उपनिर्वाचन के मद्देनजर खरगोन जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कलेक्टर जिला खरगोन श्रीमती अनुग्रह पी के आदेश तथा सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे के निर्देश अनुसार जिले के वृत्त महेश्वर एवं कसरावत के संयुक्त आबकारी दल द्वारा आज सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री बसंत कुमार भीटे के नेतृत्व में जुलवानिया की ओर से इनोवा कार क्रमांक MP09LK0110 से अवैध मदिरा परिवहन की मुखबिर सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए एबी रोड पर नाकेबंदी की गई। उक्त इनोवा कार आती दिखाई देने पर उसे रोकने का संकेत देने पर कार चालक द्वारा न रोकते हुए इंदौर की ओर वाहन को तेज गति से भागते हुए निकला, जिसका पीछा आबकारी टीम द्वारा किया गया। तत्समय उक्त इनोवा कार का टायर फटने से असंतुलित होकर रुक गया। इस दौरान कार चालक व कार में सवार अन्य व्यक्ति अंधेरे का लाभ लेकर मौके पर कार छोड़कर फरार हो गए। उक्त वाहन की विधिवत तलाशी लेने पर गत्ते की 29 पोटियों में देसी प्लेन मदिरा व 29 पोटियों में देसी मसाला मदिरा के लेबल लगे पांव बरामद हुए। गणना करने पर कुल 1450 पांव देसी मदिरा प्लेन व 1450 पांव देसी मदिरा मसाला होकर कुल 522 बल्क लीटर अवैध देसी मदिरा बरामद होने पर फरार आरोपियों के विरुद्ध वृत्त प्रभारी मोहनलाल भायल आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जब्त मदिरा की जांच करने पर मदिरा पर जिला बड़वानी प्रदाय क्षेत्र के लेबल चस्पा होना पाया गया। जब्त मदिरा वाहन का अनुमानित मूल्य 10,40,000 रुपये है। उक्त कार्यवाही में देवराज नगीना आबकारी उपनिरीक्षक व दोनों वृत्त के आबकारी आरक्षकों का विशेष सराहनीय योगदान रहा। महेश्वर से अमन वर्मा की रिपोर्ट।